लैक्टिक एसिड को निकालूंगा, सबसे पहले मैं इसमें सैनिटाइजर को निकाल लेता हूं। मैंने इतना सैनिटाइजर लिया, ओके यस। अब इसमें मैं लेमन को निकाल लेता हूं, ठीक है। मैं इसमें ये लेमन का कुछ ड्रॉप्स देता हूं, ठीक है। ये मैंने कुछ लेमन के ड्रॉप इसमें दिए, ये है सैनिटाइजर राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में लेमन, सॉरी लेमन। इसमें जानबूझ के मैंने वो छोड़ दिया एक दाना ताकि पता चले कि यही लेमन, ठीक है। अब दोनों में मैं ये लिक्विड ऐड कर रहा हूं, पहले लेमन में दे रहा हूं, 1 2, इसमें भी दे देता हूं 1 2, शेक कर दो। कौन से कलर में आया? रेड का कलर। ये कौन से कलर में आया दोनों? मुझे लगता है ये ज्यादा एसिडिक है, लेमन है ना, ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। ये है सिंथेटिक एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियली मेड एसिड है, और ये जो है ये नेचुरल एसिड है। अब ये सिंथेटिक एसिड में मैं ये हीलिंग स्प्रे स्प्रे करके देखता हूं कि ये इसे कन्वर्ट करता है या नहीं। ये आर्टिफिशियल एसिड है, सिंथेटिक एसिड है। इसमें मैं एक स्प्रे दिया, कन्वर्ट किया, यानी इसको ये अल्कलाइन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, राइट। ये जितना स्प्रे करेंगे उसके हिसाब से इसका डार्कनेस को लेना शुरू करेगा, यानी कि ये इसे अल्कलाइन में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन जैसे ही हम नेचुरल एसिड में जाते हैं, नेचुरल एसिड में कन्वर्ट किया नहीं, इतना दे दिया, अब किया नहीं किया। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस हीलिंग स्प्रे का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? एक्चुअली हमारे बॉडी में इस पाइपलाइन को ये किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं करेगा, इवन आपके एंजाइम्स कंफ्यूजन को भी ये बैलेंस करेगा। ये कंप्लीट जो नेचुरल एसिड है उसको हाथ भी नहीं लगाएगा आपके बॉडी में, और जो आर्टिफिशियल एसिड बाहर से आप अपने बॉडी में दिए बस उसी को अल्कलाइन में कन्वर्ट करके कंप्लीट बॉडी को बैलेंस करेगा। इसलिए मैंने एक टर्मोलॉजी यूज किया था, इको बॉडी फ्रेंडली है ये, आपके शरीर को